नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकी अली खान। प्रोग्राम सबरंग लेके आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूं। हमारे स्टूडियोज़ में आज पाकिस्तान के बहुत ही बड़े, बहुत लेजेंडरी फिल्म स्टार मौजूद हैं और हम लोगों की बहुत खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ वक्त में से हमारे आपके लिए और हमारे स्टूडियोज़ में हमें कुछ गुफ्तगू के लिए वक्त दिया, जिनका हम इनके लिए बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके फ़न के बारे में और इनकी मसरूफियात जो रही हैं और जो रहे हैं आजकल। तो मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप नॉच लेजेंडरी आर्टिस्ट जनाब शाहिद हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, आप कैसे हैं? आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। आपका कनाडा आना हुआ तो कैसा वक्त गुजरा आपका? ये मैं तकरीबन 18 साल के बाद कनाडा आ रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं 3-4 दफा आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन लास्ट जब मैं आया था वो 2001 था। अच्छा, और जितने कनाडा में मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं जी, और इब्तिदा में करूंगा इससे कि आप ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए और आपका जो बचपन था वो कहाँ गुजरा? जी, मैं पैदा लाहौर में हुआ हूँ और हमारी फैमिली जो है वो करनाल से बिलोंग करती है जी। और 47 में जब आए तो मैं लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, जिस घर में मैं अभी भी रहता हूँ, तो वहीं मैंने अपना बचपन गुजारा, वहीं जवानी गुजारी। अच्छा, वहीं से मैं अपने करियर में उसी जगह से मैं जहां पे मैं अभी भी रहता हूँ। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह सारी लाहौर में हुई? जी, मेरी स्कूलिंग जो है वो कैथीड्रल हाई स्कूल में हुई। अच्छा, लाहौर में ही। तो उस जमाने के अंदर, जिस जमाने में हम स्कूल में थे अपने, वो बाद में कॉलेज भी हो गया था, तो इंटरमीडिएट हमने कॉलेज से किया था अपने। तो वो जो कहते हैं कि जी लाहौर लाहौर, तो आप उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। हाँ, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर तक किया जमिया नहीं। हाँ, तो आप तो प्योर लाहौरी हैं। और जी जी बिल्कुल, मैं तो क्या आपका बचपन पूरा लाहौर में गुजरा? मेरा जी पूरा बचपन जो है, जो हमारा घर है उसके पीछे ग्वाल मंडी है। अच्छा, ग्वाल मंडी में जो वो स्ट्रीट भी बनी है वो हमारे घर के फूड स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट। अच्छा, तो वाकई ये बात सही, जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें कुछ नहीं देखे। इससे इत्तेफाक करते हैं आप? जी बिल्कुल करता हूँ। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि इसके बाद आपका स्कूलिंग, फिर कॉलेज? ऑब्वियसली कॉलेज भी हमारा स्कूल जो था वो असल में अंडर ऑक्सफर्ड था। अच्छा, वहाँ सीनियर कैम्ब्रिज था, तो सीनियर कैम्ब्रिज जो स्टूडेंट्स, कोएजुकेशन स्कूल था हमारा, तो जो लोग सीनियर कैम्ब्रिज करना चाहते थे वो सीनियर कैम्ब्रिज करते थे। बाद में हमारे एक प्रिंसिपल आए मिस्टर लॉन्जो, तो उन्होंने आगे इसको कॉलेज कर दिया था। वो असल में जब मैट्रिक के बाद हमें दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था, तो इस वजह से उन्होंने अच्छा कॉलेज बना। तो आपका घर में जो आपके वालिद थे और आपकी वालदा, आप लोगों का किस किस्म का माहौल था? वालिद काफी रिलीजियस थे या? जी, हमारे बैकग्राउंड जो है, हमारी फैमिली की बैकग्राउंड, वो तो सबको पता है तकरीबन। तो वालदा का जहाँ ताल्लुक है, वो मैं बहुत छोटा था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अच्छा, था ऑलरेडी मैं 7-8 साल का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारी लैंड्स वगैरह थी। अच्छा, तो वालिद वगैरह हमारे लैंड्स वगैरह पे
जाते थे। अच्छा जी, तो आप कितने माशाल्लाह बहन भाई हैं? जी हम चार बहनें हैं मेरी और मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, तो तीन तो यहाँ टोरंटो में हैं। जी जी, तो एक लंदन में होती हैं, तो दो तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अच्छा, एक जिनके पास मैं ठहरा हुआ हूँ, मेरी बड़ी बहन है, वो भी दिल पर आपा। अच्छा अच्छा, उनके पास जी, मैं ठहरा हुआ। अच्छा, तो शाहिद साहब, ये कॉलेज का जमाना और वो लाहौर का वो एक खूबसूरत माहौल जो अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स का होता है जी, तो फिर कॉलेज के साथ साथ ये आपका एकदम से फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आपका आना हुआ? बस ये तो समझे आप, एक बड़ा इत्तेफाक है। अच्छा, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। मेरा ख्याल है कि मैं बता चुका हूँ काफी हर इंटरव्यू में कि मैं फौज में जा रहा था, आपको भी बता देता हूँ जी। फौज में मैं जा रहा था और फौज में जाते जाते अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि मैं फिल्म करियर में आऊं। हालांकि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में लोग मानते नहीं जी, क्योंकि अखबार वालों ने काफी मुझे हाईलाइट किया उस जमाने में। आई वॉज वेरी शाई पर्सन, वेरी शाई। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं मुझसे कौन काम करवाता था, कैसे मैं काम करता था। एनीवेज, अच्छा जी, तो उस तरह फिर आप फौज में जाने की बजाय मैं करियर में आ गया। अच्छा जी, सो आपकी आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब कि आप स्कूल कॉलेजेस में ड्रामे करते थे जो प्लेज होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं डिबेट सोसाइटीज में, अपनी हमारी डिबेट सोसाइटी थी उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करता था, तो कभी ड्रामास वगैरह में, कभी कॉलेज में, कभी मैं ऐसे नहीं आया। अच्छा, और दूसरा ये कि ये बड़ा इत्तेफाक है, रियली आप यकीन करें। अच्छा, कि जो मेरे उस्ताद थे अब्बास नौशा साहब, उन्होंने जिस तरह मुझे मतलब ट्रेन किया उनको, तो मुझे बड़ा इजी लगा कि उन्होंने जिस तरह मुझे वो किया। तो वो आगा साहब, उन्होंने देखा कि आपके अंदर एक खूबसूरत एक फनकार मौजूद है? नहीं, आगा साहब नहीं। अच्छा, अब्बास नौशा साहब। अब्बास नौशा साहब। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, नौशा साहब ने मुझे अपनी फिल्म एक रात के लिए लिया था। अच्छा, और उन्होंने उस वो फिल्म जो थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन वो मेरी जो फिल्में पहले रिलीज हो चुकी थी, आंसू, बहुत सारी फिल्में, वो तीन चार साल के बाद, मतलब 74 में वो लगी। मेरी पहली फिल्म जो थी आंसू, वो 1971 में लगी ऑनवर्ड। अच्छा अच्छा, हमारे पास ये आपकी फिल्मों की लिस्ट भी मौजूद है, एक जिसमें ये अमन, तहजीब और उमराव जान, था और अनमोल और दीदार और नौकर वाटीदा जी, और सुरैया भोपाली, तेरे मेरे सपने और शामे मोहब्बत, शमाए मोहब्बत जी, और मिस्टर रांझा और आपकी खातिर और उफ ये बीवियां भी आप जी, बहुत लाजवाब फिल्म थी। इस इन फिल्मों में जब आपके जब पहली फिल्म आपकी आई तो आपको कैसा लगा? मतलब कि वो इट वाज अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू, राइट? पहली फिल्म जब आंसू मेरी रिलीज हुई तो उसमें उस वक्त की जो कास्ट थी वो बहुत जबरदस्त कास्ट थी। उसमें फिरदौस बेगम थी, नदीम साहब थे, जाहिद खान थे, अच्छा, दीबा बेगम थी जी। तो ये उस वक्त की टॉप कास्ट थी जब मैं उसमें एंटर हुआ हूँ। अच्छा, तो मैं उसमें नदीम साहब का बड़ा भाई बना था। खैर, इन शॉर्ट उसमें जो आखिरी सीन था वो बड़ा ड्रामेटिक था। उसमें माँ जो है बेटे को गोली मारती है और वो बड़ा ही क्योंकि नया था बिल्कुल मैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की। अच्छा, मेरी, और बड़ा हिट हुआ वो। अच्छा जी, पैसों की जरूरत तो नहीं? तौबा कीजिए अम्मी जान, फजूल खर्ची मैंने बिल्कुल छोड़ दी। वैसे आप हैं ही बहुत अच्छी। कोई बात है जरूर। वो शबाना है ना, शबाना, वो सलमान आंटी की बेटी है। सलमा की बेटी है? मेरी पूरी बात तो सुन ले, सलमान आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें सलमा से क्या काम आन पड़ा है? ओहो, आप समझती क्यों नहीं अम्मी जान, मैं आपको कैसे समझाऊं। कमाल, तुम न हुए तो इस घर में शनाई नहीं गूंजेगी, ढोलक पकीत नहीं गाए जाएंगे। ये मम्मी और डैडी की आरज़ू, लेकिन मेरी याद में तुम। कमाल, जिस दिन जिंदगी में एक ही बार आता है और उसी दिन मेरा भाई मुझसे जुदा होगा।
तो वो आप वैसे तो बेसिकली देखा जाता है ना कि जी जब कोई आर्टिस्ट शुरू करता है तो उसको कभी आने में बहुत दुश्वारी होती है इन होने में, ऑब्वियसली शोबिज की दुनिया में। मेरे साथ तो अल्लाह का ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अच्छा, तो आप लाइक एज ए साइड हीरो आए, विलन आया, या एज डायरेक्ट हीरो आए? नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट हीरो ही आया। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह जी जी। तो फिर आपने जब आपके जो लोग थे जो नए, आपकी पहली फिल्म थी ये, लेकिन नदीम साहब हो गए जैसे, ये दीबा साहिबा थी और जितनी दूसरी कास्ट थी जी, तो उनके साथ पहली दफा काम करके आपको या उनके सामने आपको कुछ दुश्वारी हुई या कैसा लगा? नहीं, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र रहा। अच्छा, मुझे दुश्वारी नहीं रही। सेट के ऊपर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम बिल्कुल फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि बड़े उस जमाने के अंदर और बड़े सपोर्टिंग थे एक दूसरे को। मैं नया नया आया था, मुझे दीबा बेगम बहुत सारा बताती थी फेसिंग कैमरे को कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो उसमें ऐसा नहीं होता था कि कोई खुदा ना खासा कोई जेलसी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, कंपटीशन तो होगा उस वक्त भी? कंपटीशन तो हर जगह होता है और होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सेट्स पे ही होता था हमारा, मतलब कि अच्छा काम कौन कर रहा है, अदरवाइज तो कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज। तो ये फिल्मों के बाद मतलब कि शूटिंग खत्म हो गई, चले गए, तो क्या आप लोग आर्टिस्ट लोग सब मिलते भी थे कभी कभी? बहुत आपस में हमारे बड़ा आपस में मिलना जुलना था। फिर हमारी क्रिकेट की टीम थी एक। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है मैंने कभी किसी इंटरव्यू में बताया नहीं, हमारी क्रिकेट टीम थी। अच्छा, उसमें गुलाम मुहिद्दीन को हमने कैप्टन बना दिया। अच्छा, मैं, नदीम साहब, वहीद साहब। अच्छा, तो मोहम्मद अली साहब भी आ जाते थे, असलम परवेज साहब भी आ जाते थे। अच्छा, अलाउद्दीन साहब, आगा तारीफ जी, जरा हमें सपोर्टिंग करते थे। तो हमारी क्रिकेट के मैचेस होते थे एवरी संडे, हमारा कोई ना कोई ग्राउंड बुक होता था। अच्छा, तो हम मैचेस बड़े खेलते थे, बड़े बड़े। क्रिकेट का आपको शौक रहा काफी? बहुत शौक रहा क्रिकेट का। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्टिंग यहाँ पे तो आप देखिए या अक्सर लोग या कहीं भी बहुत सारा जाके कोर्सेज करते हैं और इसको सीखते हैं जी, तो क्या ये काम सीख के करने वाला है या ये ये, ये बाय बर्थ एक आर्टिस्ट इंसान के अंदर होता है जिसको के लाइक प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स जो हैं वो उसके टैलेंट को बाहर लाते हैं? आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा ख्याल है कि ये गॉड गिफ्टेड है सारा। हर कोई एक्टर नहीं हो सकता, हर कोई हो नहीं सकता। वैसे तो हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना पड़ता है। अच्छा। और उस झूठ को आपने सच दिखाना होता है, तो ये एक आर्टिस्ट में बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। तो कौन कौन से रोल आपने किए? मैंने बड़े वर्सटाइल रोल किए हैं, मतलब पहली फिल्म मेरी रिलीज हुई आंसू, उसके अंदर मैं ये डेथ सीन था। अच्छा, तहजीब मेरी रिलीज हुई, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे उस्ताद भी थे हसन तारिक साहब, उसमें मैं पागल बना। तीसरी फिल्म मेरी रिलीज हुई अनमोल, उसमें मैं नीम पागल के रोल में था। अच्छा, चौथी फिल्म मेरी अमराव जान अदा लगी, उसमें मैं नवाब के रोल में था। एक शिकार मेरी फिल्म लगी, उसके अंदर मैंने बड़ा रैश, बड़ा टफ रोल प्ले किया। एक मेरी फिल्म थी उफ ये बीवियां। अच्छा, उसके अंदर बड़ा डिफिकल्ट रोल था मेरा कि दो बीवियों को कैसे मैं हैंडल करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। घर क्यों नहीं आओगे बेटी? मैं अपने इंसल का बदला लिए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। सुन रही है इसकी धमकियां? कौन है जो इन हालात में घर से बेजार नहीं होगा? ये नाजा नहीं किसी तार दम की बेटी है मिजान, मैं किसी सूरत घर नहीं आऊंगा। हेलो हेलो, हाँ लगो डार्लिंग, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग, इतनी देर से फोन क्यों करते हो? बिजनेस बहुत जोरों पर है जान, मुझे फुर्सत मिलती ही नहीं। यार मेरे बोला, मुझे इस इम्तिहान से बचा ले।
आखिर मेरा कसूर क्या है? जी तो आजकल मीटिंग के बहाने फिल्में देखी जाती हैं। नहीं कौन सी फिल्म? खुदा की कसम जान मुझे अभी कसम लगेगा मैंने कोई फिल्म देखी हो। आप किस पे उतारने का है? झूठ है। मैं तुम दोनों को बेवा बनाकर इंतकाम लेना चाहता हूँ। चैन रू नींद में आकर तुम दोनों का गला घोटेगी। और फिर मैंने शबाना की एज ए नेगेटिव रोल, लेकिन आखिर में पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, तो एक मेरी फिल्म थी बहुत खूब, उसके अंदर मैंने चार रोल प्ले किए, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आई मुझे, तो बहुत ज्यादा। तो ये जो चार रोल हम कहते हैं, ये कैसे आप लोग करते थे? ये होता कैसे है? मतलब कि आपके साथ आप ही खुद से बात कर रहे हैं और आपका रोल दूसरा है। वो जरा फ्रेमिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो आपको गेटअप चेंज करने पड़ते हैं, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट है वो। हमारी शक्लें एक दूजे की कार्बन कॉपियां हैं, तो आप इसमें रिश्तेदारी क्या है? ये तुम्हें मैं बताती हूँ। अम्मा जी आप हमारा राज कैसे जानती हैं? और राज के बारे में माँ कहती थी किसी के पास नहीं। मैं कहती हूँ कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो और मैं बदनसीब तुम्हारी माँ हूँ। लग जाओ मेरे सीने से, अरे मेरे लाडलो। तो ये जो आपने जो करेक्टर की, एक पागल का, एक नीम पागल का और इस तरह से, तो इसके लिए आप को क्या किसी को विजुलाइज करना पड़ता है या इट्स जस्ट लाइक कुछ चीजें ऐसी हैं जो विजुलाइज ऑफ कोर्स करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो करेक्टर्स को जाके आप मिले क्या, पागलों को मिले उनका आपने? नहीं, मैं एक दफा जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा जा रहा है बगलोल टाइप, बिल्कुल साइकिल चला रहा है। उसको मैं फिर अपने घर ले गया, उसको मैंने एक दो दिन उससे पूछता रहा तुम कहाँ रहते हो, उसने नहीं बताया। फिर मैंने जहाँ से उसको उठाया था, पिक किया था मैंने, उसको वहीं मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा शायद ये रास्ता यहाँ से अपना, तो उसको मैंने किया था। जब मैंने तहजीब का किया था तो बाकायदा मैं पागलखाने गया, जाके वहां लोगों को देखा मैंने। जिसमें आपका नीम पागल था या जिसमें पागल एक्चुअली बना था? अच्छा, उसको मैंने मुझे देखना पड़ा। अच्छा जी, तो वो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट आई गेस। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अल्लाह ताला ने वो हाईलाइट थी फिल्म। अच्छा की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ। तो जब आपकी बहुत सारी माशाल्लाह फिल्में इतनी आपकी आती रहती थी और आती रहती हैं जी, राइट, तो आपको कैसा लगता था कि उस वक्त जो काम का एक, आप हाउ डू यू यूज्ड टू मैनेज, कि वो शिफ्ट वर्क होता था या कैसे टाइम निकालते थे आप उसके लिए? वो हमारा ये था कि हम हमारे शिफ्ट्स होती थी, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो चूंकि फिर हम ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया तो उसमें इवनिंग की शिफ्ट्स भी होती थी। संडे को हम हॉलिडे करते थे, संडे को हम मैच वैच खेलते थे, और फिर एक शिफ्ट निकली टेडी शिफ्ट कहते थे उसको, मॉर्निंग शिफ्ट, सुबह 7 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक करते थे हम। एक फिर मैंने शिफ्ट रात को 2 बजे भी की हुई। अच्छा, आई यूज टू कम फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, सारा दिन मैं इस्लामाबाद में शूट करता था। एस सुलेमान साहब उसके डायरेक्टर थे, फिल्म थी प्यार का वादा। अच्छा, प्यार का वादा जी। शाम को मैं प्लेन से मैंने आना है लाहौर, आके 2 शूटिंग करनी है। फिर नजर शबाब की फिल्म बन रही थी एक, ससुराल, पांडे कली करालो। अच्छा, बड़ा मशहूर गाना हुआ था उसका। तो वो फिर मैं सुबह 6 बजे तक करता था, फिर मुझे फ्लाइट में बैठ के वापस जाता था। अच्छा, तो बस जो टाइम थोड़ा सा मुझे जहाज में मिलता था वही रेस्ट था मेरा बस। तो कौन से डायरेक्टर्स के साथ आपने जो काम किया, या कभी किसी के साथ डिफिकल्टी हुई हो, या जिनका जिन्होंने रीटेक्स उस वक्त होती होंगी डेफिनेटली? तो मैं समझता हूँ रीटेक्स इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ वेरी पार्ट ऑफ इट। एंड आई थिंक रिटेक से घबराना नहीं चाहिए, आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ये वही आपका जो टाइम होता है, देन यू लर्न, या उस रिटेक्स में ये होता है कि जी डायरेक्टर नहीं, आपके कई दफा एक्सप्रेशन नहीं आया सही। कई दफा हम डायरेक्टर भी कह देते हैं, कई दफा आप भूल भी जाते हैं।
कई दफा आपका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता, कई दफा आप अटक भी जाते हैं कहीं। अच्छा, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होता आपका। अच्छा, तो ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी वो नहीं है बात। शाही साहब, मैं बिल्कुल ये जानना चाहूंगा कि एक्टर जिसे हम कहते हैं, तो अब जैसे कोई आम बंदा कोई बात करता है, आप उसको कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो वो ये एक्टिंग कैसे उसमें एक ये गुर ये जो टैलेंट है, आप हमें कुछ एक डायलॉग कोई अपना पसंद का कुछ सुनाए। डायलॉग तो मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन ये है गॉड गिफ्टेड। एक मैं बताऊँ, सही, अब आप मुझसे ज्यादा मौसीकी को जानते हैं, राइट? जी। अच्छा, ये आपको गॉड गिफ्टेड है जी। अब जो गायकी आप करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। जी जी, एम आई राइट? जी जी जी। अच्छा, फिर जिन मतलब उस्तादों के साथ मैं रहा हूँ, जिन्होंने मुझे काम बताया, खास तौर पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर दूसरा मैं अपने उस्ताद अब्बास नौशा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नेचुरल सिखाया। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, नेचुरल, सही, पर उन्होंने कहा यही एक्टिंग है। अच्छा, यस। तो ये अब ये आपका कमाल होना चाहिए कि आपको डायरेक्टर अच्छा मिला हो, जैसे मुझे हसन तारिक साहब मिल गए, रियाज शाह साहब मिल गए, ये अमन के अंदर, अच्छा, परवेज मलिक साहब मुझे मिल गए अनमोल के अंदर, एस सुलेमान साहब मुझे मिल गए इल्जाम में, अच्छा, दिलजीत मिर्जा साहब ठा में मिल गए। तो सो कॉल्ड आई गॉट वेरी नाइस डायरेक्टर्स जिनको बड़ा कमांड था काम के ऊपर, क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल थे, वो उनको इस काम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता था। अच्छा जी, तो सो प्रोफेशनल। तो अगर मैं कहूँ कि आपको एक सिचुएशन बताऊं कि जी आप किसी का बहुत वेट कर रहे हैं, राइट, और वो बंदा नहीं आया, और वो जब आया है तो आपका क्या है उस वक्त रिएक्शन होगा उसके साथ, आप कैसे उसको कहेंगे? मतलब वो देखिए सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं कि सिचुएशन क्या है, आप इंतजार कर रहे हैं एक बंदे का, एक बंदा नहीं आया, अब पीछे सिचुएशन क्या है कि इंतजार किसका कर रहे हैं आप, वाले साहब का कर रहे हैं, वालदा का कर रहे हैं, बहन का कर रहे हैं, महबूबा का कर रहे हैं, अच्छा, किसका कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अच्छा अच्छा, कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस तरह फिर आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जी अच्छा, जी वाह। तो आपके साथ तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी रही, क्योंकि आप हीरो थे जी, तो ज्यादातर जो हीरोइंस होती हैं उनके साथ आपके झगड़े फिल्मों के दौरान होते होंगे डेफिनेटली। नहीं नहीं, सिचुएशंस वाइज कि भाई तुम लेट क्यों आई हो, कहाँ नहीं नहीं, नहीं, नहीं लेट लेट आना, लेट तो आते थे, सारे लेट आते थे, लेकिन नहीं, फिल्म के दौरान स्टोरी बोर्ड में ऐसा कुछ होता था? मैंने तो आज तक कभी नहीं ऐसा कोई करेक्टर नहीं था। अच्छा अच्छा जी, तो ये आज के जो फिल्म इंडस्ट्री में जो सिलसिला चल रहा है, समझ रहे, और जो आपके दौर में चल रहा है, दौर तो हमेशा से आपका रहेगा और है, क्योंकि आप, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई इदारे नहीं बने, यूनिवर्सिटीज नहीं है या कोई सिखाने वाले नहीं, तो आप लोग तो खुद यूनिवर्सिटीज हैं एक्टिंग की जी। तो आप लोगों की मौजूदगी में और भी कुछ लोग जो आर्टिस्ट हैं जिनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा क्यों हमें सुनने को मिलता है, इसकी क्या वजह है? असल में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री रही है, और जो लोग हम अपनी इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं, एक तो हमारी फैमिलीज जो हैं उसको अच्छा समझती नहीं, दे प्रेफर के लड़की टेलीविजन पे चाहे चली जाए लेकिन फिल्म में ना जाए। ओके, अच्छा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, सही है, बुरे लोग भी अच्छे लोग भी, एवरीवेयर। ओके, अच्छा, अब हमने क्यों नहीं खोला ये पूछे आप? अच्छा, हमने इसलिए नहीं खोला कि बार बार हमें ये कहना पड़ता है कि हर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ओके, सही है, हमें सिवा जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हमारी इंडस्ट्री को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और ये एक अलमिया है। दिस इज ए डैम फैक्ट। दूसरी बात, आप फिर ये कि आप ये देखें कि
सपोज मैं जाके खोल लेता हूँ, सही है, नोबडी विल कम, कोई नहीं आएगा, वो आएगा क्यों नहीं ये पूछे ना मुझसे, अच्छा, आएगा क्यों नहीं, हाँ आएगा क्यों नहीं, आएगा इसलिए नहीं कि फिल्में कौन सी बन रही है, सही है, हमारे स्टूडियोज तो सारे वीरान पड़े में, टैक्स हम देते हैं, मैं अभी तक टैक्स देता हूँ अपनी फिल्म का, जबकि मेरे पास फिल्में बिल्कुल नहीं है। पर इस वीरानी की वजह क्या है, मतलब कि आप देखिए ना, हमसाया मुल्क में हमारे फिल्में बंदी, पूरी वर्ल्ड में उनका बिजनेस होता है, या हम लोग भी कर, फिल्म इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट होता रहा है और हो सकता है जी। तो ये हमारे मुल्क में इस बात को क्यों नहीं समझा जाता, क्योंकि ऑब्वियसली इंसानों को, हम सब लोग हैं, एंटरटेनमेंट हमें चाहिए कुछ, क्योंकि फिल्में देखने से बंदे का एक तो एक, हम एजुकेट भी होते हैं, समझ रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती है, और बाजू का देखिए सिर्फ एंटरटेनमेंट, सुकून भी मिलता है, तो इट प्लेज अ बिग रोल फिल्म इंडस्ट्री। देखे ना, मैं अब यहाँ कनाडा पे आया हूँ तो मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट माय कंट्री, डेफिनेटली मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुझमें बड़ा नेशनलिज्म है, मैंने बाहर के हमसाया मुल्क ने मुझे बड़ी ऑफर दी थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, जो हमारे सीनियर मेरे से सीनियर कुलीग से उन्होंने काम किया मैंने नहीं किया। ऐसे ही हमारा आर्टिस्ट है शान है, उसको बहुत ऑफर थी, उसने इनकार किया, तो नेशनलिज्म, उससे ये नहीं कि हमें कुछ फर्क पड़ा या उनको फर्क पड़ा, ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जब कोई चीज डाउन जा रही हो उसके लिए कुछ सहारा होता है, सही है, ठीक है, सही है, हमें तो मिला ही नहीं, सहारा ही नहीं मिला, हमें तो हर इंस्टीट्यूशन को आप उठा के देखें, जिधर भी जाएंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऑडियंस को, हमारी पब्लिक को जो कि अनएजुकेटेड बहुत है, उनको समझना चाहिए कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, दे शुड अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ हो चुका है अब तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़े टैलेंटेड अच्छा हमारे, हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए, अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका, टू मच जी। तो क्योंकि आपके, आप जब कर रहे थे फिल्में तो म्यूजिक ऑल्सो यूज टू प्ले अ बिग रोल, ओह यस, आपके कितने गाने सुपर हिट हैं जी, की फिल्में भी बहुत अच्छी रही, और मेहदी हसन साहब ने जो उसमें गाया जी जी, मैडम नूर जहां, मैडम नूर जहां, नाही दफ्तर है, वो है अपना गुलाम अली है, महनाज थी वो आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी, रूना लैला जब यहाँ पे थी उनसे बड़े अच्छा अच्छा गुआया गया है, तो मैडम नूर जहां हमारी जो थी वो तो मैडम ही थी माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में जगह दे, मेहदी साहब को भी, तो ऐसे फनकार कब पैदा होंगे, देखें आप, वहीद मुराद साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, सुल्तान राही साहब थे, ये फनकार कहाँ आएंगे, ये सही बात है। तो आप जब मेहदी साहब का गाना आप पे पिक्चराइज होता था तो आपको कैसा, बहुत खूबसूरती से आप उसको अदा करते थे, कैसे मालूम होता था कि जैसे आप ऑब्वियसली शोबिज में हैं और जैसे आप ही गा रहे हैं वो गाना, जी, इसकी जी, जी। इसकी क्या वजह, या इसकी वजह तो कुछ नहीं थी, वो एक्चुअली टैलेंट तो है ये, हाँ जी, वो उसमें ये था कि वो आवाज़ सूट करती थी, मुझे भी करती थी और उनको भी करती थी जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, तो जैसी गायकी तो शायद ही अब पैदा नहीं, हाँ जी, फनकार ऐसे जी बिल्कुल बड़े लाजवाब आर्टिस्ट थे, जी, सुरीले जी। तो फिल्म इंडस्ट्री का फिर डिक्लाइन हुआ आपने बताया बहुत, वो जब ज़ियाउलहक तशरीफ लाए, इस्लाम तो खतरे में था ही था, अच्छा पूरा पाकिस्तान खतरे में हो गया, तो उसमें ऐसा है कि मुझे ना ही इस पर बुलवाया तो जी, ठीक है वो तो जी, तो फिर ये कि इंडस्ट्री हमारी ऐसा हुआ कि कराची हैदराबाद के अंदर उर्दू फिल्म्स हमारी चलती थी, वहां पे भी काफी हंगामे शुरू हो गए, फिर बहुत सारी चीजें जो पता है, यही आपसे पूछना चाहता था कि क्योंकि उर्दू हमारी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, तो एक टाइम में बल्कि मैडम नूर जहां ने भी कई बार कहा कि जी मुझे उर्दू गाने में गाती थी तो मुझे पंजाबी नहीं गवाते थे, क्योंकि भाई आप तो उर्दू बहुत अच्छा गाती, कहने लगे फिर जब फिल्में बंद हो गई बननी तो मुझे पंजाबी पे लगा दिया, नहीं पंजाबी गाने और गाने पहले भी बहुत अच्छे गाए, नहीं गाने जब उर्दू फिल्में चल रही थी
उन्होंने बड़े जबरदस्त गाने गाए, वो उनका कहना यही था शुरुआत की बात। जी 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 जी, शुरू में तो उन्होंने गाए हैं, उस वक्त तो मेरे ख्याल बहुत छोटे होंगे जी। मेरा कहने का मकसद ये कि फिल्में जो एक हमारे मुल्क की लैंग्वेज थी उसमें बनती थी, तो वो बननी क्यों बंद हो गई, उसकी क्या वजह हुई उर्दू फिल्में? देखिए, उर्दू फिल्में बंद इसलिए होगी कि मार्केट हमारे पास नहीं थी। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात ये, मुल्क टूट गया, उसके बाद 76-77 में मार्शल लॉ लग गया, फिर चित्रहार चलाते थे, फिर VCR आ गए, फिर फलानी चीज आ गई, फिर कराची में हंगामे शुरू हो गए, हैदराबाद में शुरू हो गए, हालात वर्स टू वर्स होते चले गए। तो अब ये फिल्म जो थी हमारी उस वक्त एक चीपेस्ट एंटरटेनमेंट फॉर दोस पीपल जो क्लब्स नहीं जा सकते, जो कहीं और नहीं जा सकते, उनके लिए थी। टिकट बड़ी महंगी होगी। अब लोग अपना टिकटें मतलब बच्चों को पालते या टिकट्स लेके वो एंजॉय करते, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कटी हुई हैं। अच्छा, अच्छा जी, उसकी वजह से फिर काफी इफेक्ट जी जी इफेक्ट हुआ। तो अब लेकिन अभी कराची से काफी हमारी फिल्में आई हैं, बहुत अच्छी गई हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा, बड़ा टैलेंट है हमारे यहाँ, आउट क्लास टैलेंट है। तो आपकी माशाल्लाह तीन बेटे हैं जी जी, जिनमें कामरान भाई हैं और इमरान शाहिद और जहीर शाहिद जी जी। तो आपने अपने बच्चों में किसी में किसी को फिल्म इंडस्ट्री में आए? कामरान भाई तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम देखेंगे भी, और मेरा उनको बहुत बहुत सलाम, वो बहुत अच्छा करें। उनको देखते हम तो आपकी बहुत याद आती है वैसे भी, क्योंकि आपसे उनकी बहुत शक्ल मिलती भी है जी। तो आपके कोई बेटे फिल्म इंडस्ट्री में इस लाइन में भी आए हैं? शाहिद भाई तो ऑलरेडी है ही है जी, वो कामरान भाई जी जी। तो वो आया नहीं, उसने जहीर यहीं पे टोरंटो में है। अच्छा। जहीर तो वो अपना उसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से वो किया था, फिर उसने यहाँ पे कनाडा में यूनिवर्सिटी रेजिना यूनिवर्सिटी। अच्छा। उसे चार साल वो पढ़ के आया, तो ही स्टिल इन कनाडा। उसने अच्छा। फिल्म मेकिंग में और एडिटिंग में और कैमरे में सारा कुछ उसने किया हुआ है। अच्छा अच्छा। ही इज इन इट, लेकिन आई होप सो के वो अपने आप को इस फिल्म के बाद, जो हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। अच्छा। इसके बाद जी आपने कोई फिल्म बनाई है? जी जी। अच्छा, उसने उसकी फिल्म बनाई है, हुए तुम अजनबी। अच्छा। उसमें कामरान ने उसको डायरेक्ट किया और लिखा भी कामरान ने, रिटन बाय माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा, इंशाल्लाह ताला, होपफुली, जस्ट प्रे। मैं पहले भी टेलीविजन के ऊपर बता चुका हूँ, और मैं सबसे जो मेरे सुनने वाले हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो उफ सॉरी हुए तुम अजनबी देखना ना भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑन ए वॉर ऑन 1971, बट इट्स ए प्योर कमर्शियल फिल्म, जिसमें आपको बाजार हुसन भी नजर आएगा, आपको कॉमेडी भी नजर आएगी, और आपको ओरिजिनल फैक्ट्स नजर आएंगे। माशाल्लाह जी, अल्लाह करेगा, और इंशाल्लाह ये सुपर हिट फिल्म जाएगी इंशाल्लाह। और आपके बड़ा अच्छा ये आपने किया है, 1971 से 1985 तक आपने बहुत ज्यादा फिल्में की, फिर उसके बाद अभी तक आपकी ये लेगेसी कंटिन्यू है। आपके ये आपने जो एक फिल्म बनाई है, इसका रिवाइवल ही हम समझेंगे, क्योंकि आप जैसे एक इंस्टीट्यूट जो है इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आ गया था 86 पे, मैं आ गया था जी, उस वक्त वही जो चल रहा था जी सिलसिला, जियाउलक साहब का सिलसिला चल रहा था। अच्छा। तो मैं फिर पाकिस्तान छोड़ के आ गया था, काफी फिल्में उस वक्त, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी जब मैं आया हूँ। तो उसके बाद फिर मैं काफी अरसा रहा बाहर, तो जब वापस मैं गया 90s में, तो बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया। खैर वो चल रही थी बहरहाल, फिर मैंने काफी फिल्में की, मुहाफिज की सबसे पहले फिल्म मैंने मुहाफिज की थी। अच्छा। मैं और नदीम साहब थे उसमें। अच्छा। बड़ी सुपरहिट हुई थी फिल्म, तो काफी फिल्में मैंने की। सैयद नूर साहब के साथ मैंने काफी फिल्में की। सैयद नूर इज ए वेरी फाइन डायरेक्टर, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। काफी उन्होंने पहले ही वाज अ राइटर, उन्होंने बेशुमार फिल्में लिखी। अच्छा। और बड़ी कामयाब फिल्में हुई उनकी जी। तो ये नदीम साहब, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, गुलाम मईउद्दीन, तो इनके साथ आपने फिल्में की,
तो आपके इन आर्टिस्टों में से जो आपके कोलीग्स हैं, आपके फेवरेट कौन से रहे या जिनके साथ आपको बहुत मजा आया काम करने? मेरे तो फेवरेट सारे ही थे। अच्छा, टू बी वेरी फ्रेंड्स भी रहे? सारे फ्रेंड्स थे। अच्छा। हमसे सीनियर थे, हम अदब भी करते हैं, अब भी करते हैं। अच्छा। गुलाम अय्यूदीन मुझसे जरा जूनियर है। अच्छा। और गुल्लू के साथ, प्यार से उसको गुल्लू कहते हैं। अच्छा। बड़ी मेरी दोस्ती है उनके साथ। अच्छा। वो हमारे क्रिकेट के कप्तान भी हैं। हाँ जी। तो इज वेरी नाइस नदीम साहब, इज वेरी नाइस भाई साहब। अब भी आपकी मुलाकातें होती हैं? जी जी, अभी मेरे जब मैं आया हूँ, अभी 2 महीने पहले जब मैं आया हूँ कनाडा, तो 4-5 दिन पहले मेरे घर पे डिनर था। अच्छा। तो हम इकट्ठे थे सारे। अच्छा। तो नदीम साहब इसलिए नहीं आ सके कि नदीम साहब कराची में होते। अच्छा। खैर, उनसे टेलीफोन पे फिर बात हमारी हुई। अच्छा। जी जी। तो कैसा लगता है आप जब मिलते हैं सब? तो बस पुरानी बातें, पुराना दौर शुरू हो जाता, क्रिकेट की बातें इधर उधर, फलाने ने क्या किया, वो भी एंजॉय लाइक एनीथिंग। हाँ जी। तो अच्छा, जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट थी जिनमें बहुत अच्छी अच्छी थी, तो आपके किन के साथ आपको ज्यादा इंजॉय किया? रानी साहिबा के साथ आपने काफी फिल्में की। जी, मैं सबसे ज्यादा तो मैंने रानी बेगम के साथ काम किया, और शबनम बेगम के साथ काम किया, मुमताज बेगम के साथ काम किया, संगीता के साथ काम, दीवा के साथ काम। अच्छा। और सबके साथ मैंने माशाल्लाह सबके साथ किया, रीमा के साथ किया, मीरा के साथ किया, जितनी है नूर के साथ किया। अच्छा। तो सबके साथ तकरीबन काम किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये सारे जरा शिफ्ट हो गए हैं। संगीता इज माई वेरी गुड फ्रेंड। अच्छा। हाँ, कट्ठे हम फिल्म कैरियर में आए, एंड शी इज ए लवली लवली डायरेक्टर। बड़ा उनके साथ मजा आता था मुझे काम करके। Very nice. We will continue right from here. We will take a just 5 minutes break. We will be right back. Thank you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ, ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੀਸ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰ ਆਲ ਯੋਰ ਮਾਰਗੇਜਸ ਨੀਡ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਅਨੀਸ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਗੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਅਨੀਸ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, 416-301-8530। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 416-301-8530। Anis or Rahman. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmira chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, in Mississauga, Toronto, Scarborough, and Brampton. Assalamu alaikum. For your real estate needs, remember the multi-award winning realtor, Sayed Mehdi. He offers his clients free home staging, robust marketing, and social media campaigns to sell your property. Having sold millions in real estate, Sayed Mehdi's focus has always been to provide his clients the best value for their homes. For real estate investors, Sayed Mehdi also specializes in custom-built homes, renovation, and pre-construction projects all over GTA. Call today to work with an experienced realtor who has been recognized among the top 5% real estate agents Canada-wide within the firm. No project is too big or too small for Sayed Mehdi. Call Sayed Mehdi at 647-232-5544. आप देख रहे हैं हमारे कितनी खूबसूरत बातें शाहिद साहब की हमें आज सुनने को और उनसे दूबदू करने को हमें मौका मिला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम उनसे बहुत ज़्यादा आज उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके जो तजर्बात हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और आप हमारे जितने आप लोग जब जो उनके सब फैंस हैं और हमारे जितनी आज की जनरेशन है, वो डेफिनेटली बहुत इससे इस्तफादा करेंगे
कि इतने पाकिस्तान के, एंड वी आर वेरी प्राउड के ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंडरी फिल्म स्टार हैं, और जो लेजेंड्स होते हैं वो हमेशा लेजेंड्स रहते हैं, और ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमेशा लेजेंड रहेंगे, हमेशा से टॉप रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज में। और शाहिद साहब ये बताइए कि आज के दौर में जो काम कर रहे हैं एक्टर्स, जैसे अली जफर को भी आपने देखा होगा, या फवाद हैं, या और आपके बाद जो आए जावेद शेख, नहीं जावेद शेख तो मुझसे बहुत पहले था, पहले थे वो टीवी पे थे ना, फिल्मों में नहीं, फिल्म पे भी थे। अच्छा, वो बताते नहीं। अच्छा, लेकिन 71 से पहले के वो, उनकी एक फिल्म थी धमाका, अच्छा, शबनम बेगम के साथ, अच्छा, तो उसके अंदर वो फिल्म जरा चली नहीं थी। अच्छा, तो फिर वो फिर भगवान का ही ड्रामे से ही वो हिट हुए ना, पीवीटी। नो, ही वाज हिटेड, ड्रामों से बड़े हिट हुए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बाद में। अच्छा, जी। तो आपका क्या ख्याल है, जो आज के ये जो लोग हैं, ये अली जफर हैं या फवाद हैं, या आज के जो काम करने वाले हैं, आप क्या समझते हैं? बड़े टैलेंटेड है ये। अच्छा, क्या एक्टिंग वगैरह से? असल में उनको सही स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, राइटिंग जो होती है ना, राइटिंग नहीं ठीक मिल रही, म्यूजिक ठीक नहीं मिल रहा। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, उनकी जो, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं, हमारी फीमेल आर्टिस्ट बड़ी अच्छी हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आई थिंक जिस दिन राइटिंग पावर अच्छी आ गई, स्क्रिप्ट राइटिंग, यस, स्क्रिप्ट इज द बेसिक थिंग, यू नो, स्क्रीन प्ले जो है उसका, फिर जब आप उस करेक्टर में जाके जहां कनेक्ट होंगे, अच्छा काम हो जाएगा। आर्टिस्ट का कभी कसूर नहीं होता, आर्टिस्ट इज लाइक ए टॉय, यू नो, आप जैसे उसको करेंगे वो वैसे काम, डायरेक्टर को लेना। जी बिल्कुल, दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। हमारी जो ये आई है, जो फीमेल स्टार्स आई हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये जो आप समझ रहे, कुछ रिवाइवल हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री का? इंशाल्लाह बहुत होगा, हो रहा है बहुत। तो ये जो अभी आपने जो आपकी नई फिल्म आ रही है, जिसका आपने जिक्र किया है, कुछ उसकी क्या है कि थीम लाइन या स्टोरी लाइन कुछ ब्रीफली? वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी सीक्रेट है, सीक्रेट चल रही है आवाम के लिए। हाँ जी, जी, सरप्राइज ये है कि आई होप आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसकी कास्ट में कौन कौन है? उस कास्ट में भी हम इसलिए नहीं बता रहे, इट्स अ सरप्राइज अगेन, यू नो, क्योंकि करेक्टराइजेशन है उसके अंदर, सारे करेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट जाइगा खान है उसमें। अच्छा। उसमें भुट्टो साहब हैं, उसमें मुजीब रहमान है, अच्छा, उसमें इंदिरा गांधी है, वेरी नाइस, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम बता नहीं सकते। अच्छा, माशाल्लाह जी, हु इज प्लेइंग, हु इज डूइंग व्हाट। अच्छा अच्छा जी, सो मस्ट बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इट, यू नो, वेरी हार्ड वर्क, कामरान हैज डन वेरी हार्ड वर्क, और बड़ा इंशाल्लाह ताला। तो म्यूजिक उसमें, म्यूजिक बहुत अच्छा है उसमें। अच्छा, अली जफर का भी एक गाना डाला। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उसके अंदर आबदा परवीन साहिबा का भी एक, अच्छा, जी जी, वो डिमांड थी, दैट वाज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो क्या उसमें कुछ थोड़ा सूफी रंग भी है, या क्योंकि वो तो सूफी रंग आपदा जी वो मैं बता नहीं सकता कुछ आपको। अच्छा जी, आपदा साहिबा क्योंकि ज्यादातर वो सूफी म्यूजिक गाती हैं, जी जी, गजलें भी गाती हैं, शी लवर स्टाइल, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से मना के ये करवाया गया। अच्छा अच्छा जी, ऐसे ही मेहदी हसन साहब को भी एक दफा हमने किया था, वो गा नहीं रहे थे, उनका मिजाज ही नहीं था वो गाने का। अच्छा, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको मना के ससुराल में वो गाना गाया, पांडे कली करा लो, और ये और वो, उनके मिजाज का गाना नहीं। जी जी जी, बिल्कुल, बड़े छोटे चाहे चमचे चाहे कर्चे चाहे गड़वे चाहे लोटे, वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह, होपफुली अल्लाह से। तो कामरान ने खुद भी उसमें काम किया है या नहीं? कामरान ने खुद काम नहीं किया, डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट किया है उसको, लिखा भी उसने। आप तो हैं ना उसमें? मैं हूँ उसमें, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो फिर मैं आई एम प्रीटी श्योर नाजरीन के वो हमारी ये जो है इनकी आने वाली फिल्म सुपर हिट होगी, क्योंकि जब इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट उसमें होंगे और इतना खूबसूरत टीम वर्क है कामरान भाई का, और शाहिद साहब खुद उसमें मौजूद हैं, तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं कि अल्लाह करेगा और वो बहुत हिट होगी, और हमारे
पाकिस्तान का एक बिट से एक बहुत रिवाइवल जो है फिल्म इंडस्ट्री का वो होगा और वो जो हो रहा है। और आप आज के जो जनरेशन के जो लोग हैं उनको कुछ अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे बीइंग एन आर्टिस्ट बीइंग एन एक्टर? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट योर कंट्री एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि हमारे कंट्री को कोई नुकसान पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, वेयर एवर यू गो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, और ऑनेस्टी में ही आपको सब कुछ मिलेगा। ये मेरा मैसेज है आपको। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं अपनी जानिब से Z9 डिजिटल टीवी की जानिब से शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें वक्त दिया और बहुत सारी खूबसूरत बातें हमें बताई अपने फन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। मैं आपका शाहिद साहब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग इन। थैंक यू। GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में वी आर द लीडर्स विद लोएस्ट प्राइसेस इन टाउन। वी आर Z9 मीडिया। टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज, फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स। Call now 647-500-9477. Z9 Media. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds, in improved. It's combination of and silver shades, Venus shades, so or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it is it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled, no UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.